Okay, start. हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? आज हम थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि अभी कभी बहुत लेट हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा टाइम चेंज किया है, अपोलोजाइज अगर किसी को टाइम ना सूट कर पाया। तो फ्रेंड्स एक और रिक्वेस्ट है, डॉग को अगर वॉमिटिंग लग रहे हैं, डॉग को अगर लूज मोशन लग रहे हैं, तो आपको हर एक चीज का हल है वहां पर। तो प्लीज आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। और माय फ्रेंड आप हमारी चल रही है, आज हमारा गेस्ट है थोड़ा नॉटी नॉटी हमारे साथ, अमेरिकन बुल्ली है माय फ्रेंड आज हमारे साथ। तो वेबसाइट में आप जो बहुत शॉपिंग कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, एंड और भी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट हमने उसमें ऐड ऑन किए हैं, तो ज़रूर आप चेक कीजिए। और तीसरी बात माय फ्रेंड, फ्रेंचाइज हमारी ओपन है, जो हमने स्पेशल 13 सिटी चूज़ की है जिसमें लेडीज़ को बहुत 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 बेनिफिट्स है, तो वो सिटियों के नाम भी आपको हमारी वीडियोज़ में जो क्लिपिंग चलती है लास्ट में, उसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज का शो इनके साथ स्टार्ट करते हैं माय फ्रेंड। ओके, हाँ जी सर, सबसे पहले सर हमें अदी बाबा, जगा वीसी, हरप्रीत सैम्बी एंड अरहन खान जिन्हें हेलो भेजा है सर। हाय हाय क्रिश गुप्ता, हाय सर, लैब्राडोर की कॉस्ट क्या है? माय फ्रेंड वैसे तो नीचे वो चल ही रहा है एक न्यू पट्टी सी, वहाँ क्या सिंपल भाषा में वर्ड यूज़ करूँ, वहाँ पर प्राइस सब लिखे हुए हैं, इनका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। 10-12 से नॉर्मल पेट क्वालिटी स्टार्ट हो जाती है और बढ़िया कुछ 15-18 से। सर हमें बॉबी बाइकर जी ने 40 का सुपर चैट किया है। हाँ सर, थैंक यू बॉबी, कोई सवाल नहीं है सर। बॉबी बाइकर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस माय फ्रेंड, जो कंटिन्यूस हमारी टीम की एक मुहिम है स्ट्रीट डॉग के लिए फीडिंग और मेडिसिन, आपने उसमें हमें सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। आगे सर श्रुति खराना जी हेलो भेज रहे हैं सर, यश शर्मा हेलो सर, तेजवीर खोसा हेलो सर, जग्गू टाक हेलो सर, हाय हाय महेश कांबे हेलो सर, राधे टावा, राहुल गांधी जिंदाबाद। ओके ठीक है सर, जिंदाबाद जी, सभी को जिंदाबाद। रोहित मकरेजा, कैन आई गेट अ लैब्राडोर इन 15,000? लैब्राडोर हाँ अच्छा मिल जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस है अच्छा, क्योंकि क्वालिटी वाइज का प्राइस अप डाउन होता रहता है माय फ्रेंड, क्वालिटी वाइज एक अच्छा। सर आगे हमें प्रियो ब्राटो छाहा, ऐप स्टोर में बर्ड्स की वीडियो डालो प्लीज सर। ठीक है माय फ्रेंड, आपकी ये डिमांड भी सर आंखों पर, कोई ना कोई बहुत जल्दी आपको वीडियो शूट करके देंगे। सर हमें प्रशांत शर्मा जी ने 40 का सुपर चैट किया है सर, इनका भी कोई सवाल नहीं है सर। प्रशांत शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड फॉर सपोर्टिंग अस जो डॉग फीडिंग में या स्ट्रीट डॉग की मेडिसिन में, हमारी टीम की तरफ से एक मुहिम चल रही है आपका, उसमें बहुत बहुत थैंक यू। निर्मल विश्वास, कौन सा ब्रीड है सर ये आपके पास? ये है अमेरिकन बुल्ली माय फ्रेंड, ये फीमेल है, वेरी हैवी बोन। एवीआई भट्टी, रवि, अमित कुमार, उत्कर्ष नामा एंड अमन सिंह, हाय सर, सभी भेज रहे हैं। हेलो 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 सर। पुनीत कुमार, हेलो सर, कैसे हो आप? ग्रेट सर, ग्रेट। अब्दुल्ला रहमान, हेलो सर, आ गए हैं सर। संजय नायक, मेरे पग पपी को कौन सा फूड दें सर? सर डिपेंड उसकी एज क्या है, अगर तो उसकी एज 3 मंथ से कम है तो स्टार्टर फीड दीजिए, बाकी मेरा एक वीडियो है। ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, अमेरिकन बुली और रॉटवेलर विच इज द बेस्ट फ्रॉम बोथ? मैं साइज में बड़े होते हैं, अभी आपका कि किसको आप ज़्यादा पसंद करते हो, किसको किसके साथ आपकी लाइफ कंफर्टेबल, आप पर भी बहुत सारी चीज़ डिपेंड है। बाकी बुली जो लोग मस्कुलर डॉग छोटे साइज में लेना चाहते हैं, छोटे घर हैं,
तो उसमें ये बुली ठीक रहते हैं, अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं, लेकिन अमेरिकन बुली बड़े घर में, बड़ी जगह में, खुले मैदान में ज़्यादा पसंद करता है। सर आगे सर, निक ब्लॉग्स इंडिया, सर मिनी चेयर पिंचर स्मॉल साइज डॉग का प्राइस क्या है सर? मिंचर पिंचर का, मिंचर पिंचर कितने का मिलेगा सर? अराउंड सर 20,000 के आसपास ही स्टार्टिंग होगी। वो जो अगर आप विद चैंपियन, विद टॉप, हाथ एंड अगर ऐसे वर्ड आप यूज करना चाहते हो, ऐसा बच्चा चाहते हो, तब तो ये 40, 50, 60 तक भी चला जाएगा। सर हमें अभिषेक सिन्हा जी ने 100 रुपए का सुपर चैट किया है सर, इनका सवाल है सर मेरे पास 5 मंथ 15 डेज की लैब फीमेल है, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ और उसका वेट भी 20 kg के अंदर है सर। क्या एज बताई उन्होंने? 5 मंथ 15 डेज। सर अगर मैं इस मौसम के हिसाब से 5 मंथ और 15 डेज की बात करूं तो नॉट बैड, आपका डॉग बुरा नहीं है, इट्स गोइंग वेरी गुड। हाइट सर बढ़ने का, देखो लेब्रा, लेब्राडोर एनन का डॉग लैब जो है माय फ्रेंड, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हाइट में ऊपर निकलने वाले अमेरिकन जैसे, एक होते हैं जो लंबे नोज वाले, पॉइंटेड पॉइंटेड फेस, छोटी पूंछ वाले, वो छोटे भी रह जाते हैं। बाकी आपके डॉग के मदर फादर कैसे थे, जहाँ से आपने लिया, क्या वो कहा था कि मुझे हाइट में बड़े वाला एप्पल फेस, बॉक्स फेस, अच्छी बड़ी हाइट वाला चाहिए, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं मालूम कि आपने किस ब्रीडर से या क्या बात की थी। बाकी अगर अभी जो हो गया सो हो गया, अगर अभी राइट ना उसका क्या हल है, उसके लिए सर एक अच्छी कंपनी की डॉग फीड, समय समय पर पेट के कीड़ों की दवाई जो कि बॉडी वेट के हिसाब से बनेगी, ये देना बहुत ज़रूरी है। देन कंटिन्यूस मल्टीविटामिन कैल्शियम, और ये हमारा प्रोडक्ट है पप्पी पावर, ये आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। आपको वैसे तो ये दो बॉक्स का पूरा जो कोर्स है ना, बट आई एम श्योर दैट कि विद इन वन बॉक्स ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सर हमें प्रशांत शर्मा जी ने दोबारा 20 वीक का सुपर चैट किया है सर, इनका कोई सवाल नहीं सर। प्रशांत शर्मा सर थैंक यू वेरी मच फॉर कंटिन्यू सपोर्टिंग आस माय फ्रेंड। और जो इन्होंने सर ने 100 रुपए, क्या नाम है इनका? अभिषेक सिन्हा। अभिषेक सिन्हा सर थैंक यू वेरी वेरी मच माय फ्रेंड फॉर सपोर्टिंग आस। आगे सर दुरीन ज्ञान मोटे, हेलो सर। हाय। तन्मय खन्ना, क्या डॉग्स के कान या टेल कटवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये आप पर डिपेंड है, इसीलिए मैंने इसको आज पकड़ा हुआ है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए इसका मुझे जवाब देने में ज़्यादा मज़ा आए। ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, ये आप पर डिपेंड है, बाय लॉ ये अनलीगल है, लेकिन आप लुक बेटर दिखने के लिए ये सब ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं, लेकिन उसका भी तरीका होता है कि किस तरह से क्रॉपिंग हो, कौन सा डॉक्टर करे, कैसे करे, ये कुछ गाइडलाइन है जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। एक हमेशा प्रोफेशनल पर्सन से ही आप करवाओगे तो इट्स रियली गुड। आगे सर हरजिंदर सिंह, हेलो सर। हाय राहुल सर, मेरा GHD 3 मंथ का है, हो गया है, मैं उसके लिए क्या क्या होम फूड ऐड कर सकता हूँ? सर अभी तो थोड़ी बहुत ही आप चौपाती ऐड कर सकते हो, देन चावल थोड़े बहुत, लेकिन डॉग फीड कंटिन्यूस दिन में 3 बार या 4 टाइम आप खाना दे रहे हो, या मान लीजिए कि 2 बार भी दे रहे हो तो कंटिन्यूस वो दीजिए। आगे सर दीपक, हाय सर। हेलो। VVIP गैजेट कपूर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऑल इज वन, हाय सर। हेलो। वंशी कृष्णा, हाय सर, अमेरिकन बुली ब्लू कलर एंड पिटबुल ब्लू कलर, ब्लू आई फीमेल प्राइस सर? देखो ये अगर ये मेरे हाथ में ब्लू कलर अमेरिकन बुली पॉकेट साइज है मेरे पास, इसका प्राइस आपको 20,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह के डॉग का, 15 से इससे थोड़े हल्के मिल जाएंगे आपको, बाकी 25-30 से बढ़ता रहता है डिपेंड क्वालिटी वाइज। बाकी पिटबुल ब्लू साइज वो भी 8-10 से शुरू होकर 15 तक चला जाता है, अमेरिकन बुली इस तरह के 15 से शुरू होकर 20-22-25 तक चले जाते हैं। आगे सर माशी सॉन्ग्स, फाइनली अ लॉन्ग टाइम लुक टू यू सर। और यस, देखा समय चेंज करने का फायदा हुआ, हमारे पुराने फ्रेंडों ने हमने देखा, अदरवाइज हम अगर 7-7:30 बजे आते तो शायद ये अपने काम में या अपनी लाइफ में कहीं बिजी होते। थैंक यू वेरी मच सर, वी मिस यू टू। टिंकू फोटोग्राफी, बेस्ट डॉग फीड फॉर जर्मन शेफर्ड सर? सर देखो ये सवाल का जवाब मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सभी कंपनियों की डॉग फीड बेस्ट है, बुरी किसी की नहीं है, लेकिन हमारे डॉग पर क्या सूट करता है,
हमारे डॉग को किस पर ग्रोथ मिलती है, किस पे उसकी बॉडी शाइनिंग करती है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा अपने घर में, किसी से आपको कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी माई फ्रेंड। तो प्लीज़ माई फ्रेंड आई रिक्वेस्ट यू, आप ज़रूर 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 किसी भी कंपनी की डॉग फीड स्टार्ट करके देखिए एक बार, उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको एक बार डिवॉर्मिंग कर बॉडी वेट चेक कीजिए, फिर डिवॉर्म कीजिए, फिर आपको 8-10 दिन के बाद उसका क्या रिजल्ट आता है आपके सामने होगा। सुशीता पात्रा, कैन यू डिलीवर लैब्राडोर टू गुड़गांव एंड इज इट गुड फॉर अपार्टमेंट? यस, हम डिलीवर कर सकते हैं, बहुत आसान है, गुड़गांव तो ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी रहा अपने अपार्टमेंट के लिए, हाँ ये अच्छा है, लेकिन अगर आपका अपार्टमेंट थोड़ा बड़ा है, प्रॉब्लम ये होती है लैब्राडोर वैसे तो बड़े क्यूटी से होते हैं, अच्छे होते हैं डॉग, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा छोटी घर में रखेंगे, रह तो लेंगे, बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं लेब्रा को, पहले ही बहुत लोग कहते हैं कि ये लेजी है, फलाना है, डिमका ऐसा वैसा, तो अगर हम छोटे घर में रखेंगे, खाएगा उतना प्रॉपर, वॉक नहीं कर पाएगा, देन वो वेट पुट ऑन करना शुरू कर लेगा, मोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर फ्लोर स्लीपरी है, मार्बल फ्लोर है, उस कारण भी डॉग वेट बहुत जल्दी पुट ऑन कर लेता है। सर हमें अभिषेक सिन्हा जी ने दोबारा से 100 रुपये का सुपर चैट किया है। सर इनका सवाल है, सर मेरे 5 मंथ के लैब को पप्पी पावर दें या बॉडी गेनर, और मैं उसका डिवॉर्मिंग कितने दिन पर करूं, मैंने पिछले महीने किया। सर एक ये है कि देखो डॉग की डिवॉर्मिंग पहले सिन्हा सर ये है कि डॉग की जो डिवॉर्मिंग होती है अगर तो सक्सेसफुली हो चुकी है तब तो आप डॉग को चाहे आफ्टर 3 मंथ डिवॉर्मिंग करो चलेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डॉग घास फूस खाता है, आंखों में कीचड़ आता है, जहाँ डॉग घर के कोई चीज़ पार्क में जाकर पौधे वगैरह पत्ते वगैरह खा रहा है, दीवार से सीमेंट या पेंट उखाड़ कर खा रहा है, तो इस जब पोटी बहुत ज़्यादा कर रहा है या पोटी में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो इसका एक कारण है कि डॉग के में आप डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। तो एक बार डिवॉर्मिंग आज करनी है या कल करनी है, उसके हफ्ते 10 दिन के भीतर एक बार फिर डिवॉर्म करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है डिवॉर्मिंग करना हफ्ते 10 दिन के बाद, देन तीसरी डिवॉर्मिंग आए चाहे आप जब मर्जी करो, नो प्रॉब्लम। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बात है मेरे फ्रेंड, जो आपने कहा कि बॉडी गेनर, वैसे बनता उसके हिसाब से बॉडी गेनर ही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप पप्पी पावर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि अगर 5 मंथ 5.5 मंथ में उसका बॉडी वेट ऑलमोस्ट 20 kg मैं कहूँ तो इट्स नॉट अ बैड, तो हमें ज़्यादा उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करने से ही घी निकल आएगा। आगे सर रोहित विदाते, हाय सर आई एम नशिक। हेलो सुस्मित एस हजारिका, सर मेरा पप्पी येलो लूज पोटी करता है सर। माय फ्रेंड उसके लिए आप जो भी आपके एरिए में डॉग की लूज मोशन की दवाई है ना, वो आप हाफ दे सकते हो उसको, हाफ डोज में, मान लीजिए 1 आधी ml दीजिए। गर्मियों में डॉग पानी ज़्यादा पीते हैं, जहाँ हम लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसे आज मेरे पास एक फ्रेंड आए थे, वो कह रहे थे मैं डॉग को सुबह सिर्फ और सिर्फ दही और लस्सी, फिर दोपहर को भी दही और लस्सी, और शाम को कहीं जाकर उसको फीड देता हूँ, तो इस जब ऐसी डाइट होती है तो भी डॉग थोड़ी लूज पोटी करते हैं। आगे सर पैंथर टीवी, हेलो सर। हाय सुब्रत राउत, सर आपको तो पता होगा हल्क था पिटबुल सर, उसका प्राइस क्या होगा आपके हिसाब से, और वो इंडिया में अवेलेबल हो पाएगा? हाँ जी, अभी तक तो नहीं है इंडिया में अवेलेबल, होप दिस जो ईयर डॉग शो स्टार्ट होंगे तब होगा, लेकिन इतना श्योर है कि मैम श्योर कि उसका प्राइस लाखों में जाएगा। आगे सर चंदन साहू, हाय सर। हेलो गौतम कुमार, सर मेरा डॉग 4 दिन के लिए हीट पे ही है, हीट पे है 4 दिन से बस। सर एक तो उसकी डिवॉर्मिंग ज़रूर कीजिए, पेट के कीड़ों की दवाई आज ही दीजिए उसको। दूसरा सर कोई नियर बाई मेल हो तो अभी ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जाकर वो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें मेल मिल पाए और बढ़िया मिल पाए। बाकी डॉग की मीटिंग अगर उसकी एज 1 साल से प्लस है तो मीटिंग करवाइए, अदरवाइज आप मिस करवा दीजिए। आगे सर प्रसाद प्रभ, हाय सर। हेलो सचिन बत्रा, फ्रेंच बुलडॉग प्राइस सर?
French Bulldog में पेंट बेंड क्वालिटी, बॉडी कलर मार्किंग एंड बोन स्ट्रक्चर, ये कुछ 20 से शुरू होकर 40-50 हज़ार तक चले जाते हैं। हरनेक सिंह स्टैफर्ड शायर बुल टेरियर पाइसर, हाँ सर यही कुछ लगभग 20,000 से शुरू होगा जी, और ये कुछ 60-70,000 तक चला जाता है। शुभम सक्सेना, हेलो डियर, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस ऑफ कोर्स, क्या नाम है इनका? शुभम सक्सेना। शुभम सक्सेना, बिल्कुल सर पूछिए, नहीं तो कोई समय निकल जाएगा। दीक्षित राजपूत, सर मेरा लैब 2 मंथ का है, इसका वेट 7 kg है, इज इट गुड फॉर और बैड? बहुत बढ़िया से ज्यादा है, गुड। सूरज कुमार, हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू माय फ्रेंड। विशाल पाटिल, डॉबरमैन वर्सेस जर्मन शेफर्ड, व्हिच इज द बेस्ट? वर्सेस तो मैं नहीं इनको गिनूंगा, क्योंकि जर्मन शेफर्ड एक अलग टाइप का डॉग है, एक ट्रस्टेबल डॉग है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोटा घर है आपका, तो जर्मन शेफर्ड बहुत इन चीज़ों में वो अपने बॉक्स टिक करता है, आप सेफली उसको रख सकते हो। और डॉबरमैन पिंचर गुस्से वाला डॉग है, बड़े घर में रहना पसंद करता है, बच्चों के साथ तो थोड़ा सा कभी कभी हमें बैक ऑफ माइंड थोड़ा डर रहता है। तो दोनों में वर्सेस तो नहीं है, दोनों अलग टाइप के डॉग हैं सर। अगर तो आप बालों वाला डॉग, एक अच्छा अंडरस्टैंडेबल डॉग चाहते हो जो कि बच्चों के साथ बूढ़े बुजुर्ग सेफ रहे, तो आप गो विद जर्मन शेफर्ड। अगर आप कोई चीज़ फाड़ने वाला डॉग चाहते हो, जो कोई स्ट्रेंजर आए उस पर अटैक कर दे, और दुगला पतला डॉग चाहते हो, छोटे बालों वाला चाहते हो, तो गो विद डॉबरमैन पिंचर। आगे सर कृति गुप्ता, सर 3 मंथ्स के बीगल का क्या वेट होना चाहिए? यही कुछ अराउंड 6 kg, या ये भी ठीक रहेगा 6-7, गुड। या फिर अगर बॉर्डर लो बोन है तो कम से कम 5 kg के आसपास तो होना ही चाहिए। ऋतिक तिवारी, बहुत सही टाइमिंग है सर, ओह थैंक यू। गिरीश भट्ट, व्हाट शुड बी द बेस्ट होम मेड फूड फॉर समर फॉर माय रॉटवाइलर? देखो सर, बहुत जल्दी अभी ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि गर्मी आ गई है, आपने डॉग को फीड बंद क्यों नहीं की यार, या मैं क्या गर्मियों वाला फूड दूं? ये मैं और आप नहीं डिसाइड करेंगे सर, ये आपका डॉग ही आपको डिसाइड कर देगा। अगर तो वो जो फीड खा रहा है बेस्ट, जो आप सर्दियों में दे रहे थे, खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है बड़े आराम से, अपना वो नॉर्मल पोटी सुसु सब बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप फीड क्यों चेंज करोगे? आपके डॉग के लिए अगर गर्मियाँ है ही नहीं, या वो खराब गर्मियों में भी हैवी खाना, हैवी प्रोटीन पचा रहा है, तो इट्स गो। लेकिन अगर वो नहीं है, तब आपको ज़रूर फिर ज़्यादा, जैसे मेरा एक वीडियो है डॉग समर्स ड्रिंक के नाम से, एक मेरा वीडियो है डॉग समर फूड के नाम से, वो आपको हमारी एप्लीकेशन में सवालों के जवाब पूरी डिटेल में डेमो के साथ मिल जाएंगे। आगे सर रामचंद्र, सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। रंजन कबीला, हेल्प ओके, हाँ जी, कौन सी हेल्प सर, प्लीज जल्दी पूछिए। सचिन राव, मेरा लैब 2 ईयर कल ज्यादा रेस कर ले, अब उसके लेग्स पेन कर रही है सर। क्या हो गया, ज्यादा रेस कर लिया, ज्यादा उसने दौड़ लिया, भाग लिया है ना, कोई बात नहीं सर, थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, वो रिकवरी कर लेगा। उबला हुआ अंडा दे सकते हो अगर आपके घर में नॉन वेज अलाउड है तो। हरकीरत सिंह, सर 5 मंथ GHD का क्या वेट होना चाहिए? यही कुछ सर 20 kg के आसपास। फेसबुक पे सर हमें चौधरी तुषार जी ने भेजा है, सर रॉटवेलर के बच्चे कमजोर पड़े हैं, कैसे हेल्दी करें सर? सर एक तो ये पप्पी पावर है हमारा, जो आपके डॉग हेल्थी कर देगा। दूसरा स्टार्टर फीड दीजिए किसी भी कंपनी की, जैसे डॉग की एज कुछ 25 दिन के आसपास हो जाती है, तो स्टार्टर फीड देना बहुत जरूरी होता है। सुशांत, हाय सर। हेलो। कुलविंदर सिंह, हेलो सर। हाय। वसीम अहमद, हाय सर, फ्रॉम पास्ट 7 days गिविंग स्मार्ट हर्ट पपी पावर पैक फॉर 5 months रॉटवेलर पपी बिफोर वाज फीडिंग वेग एंड लव डॉग फीड, रिजल्ट्स वर गुड एंड वेट अबाउट स्मार्ट हर्ट पपी पावर पैक रिजल्ट्स। ऑसम, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका, आप कंटिन्यूस देते रहिए सर। और मैं ये नहीं कहूँगा एक हफ्ते में आपको, आप अगर एक लाइव लाइए मान लो एक पूरा 20 दिन का या 30 दिन का शेड्यूल के हिसाब से चलाओगे, देकर देखोगे, फिर आपको दिखेगा आपके डॉग में बहुत फ़र्क है। तर्पण कुमार, सर मैं वही झारखंड के आपका फ़ैन, झारखंड से आपका फ़ैन, मेरे GHD के जोक
जड़ है पास, जड़ है सर, क्या है जो जोक लिखा है सर, जोक भाई जोक, हाँ योग जड़ है सर। अगर तो आप वो जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं उनको आप कह रहे हो, तो उसके ऊपर तो मैंने अभी 3 दिन पहले कुछ 3-4 वीडियोस बनाए हैं, शैम्पू के बारे में समझाया है आपको, स्प्रे बताया कैसे यूज़ किया जाता है आपको, मैंने ये बताया है कि वो स्पॉट ऑन कैसे यूज़ किया जाता है जो बॉडी वेट के हिसाब से होता है। उखाड़ना मत उनको झुका, क्योंकि फिर वो खून निकलने का डर रहता है पपीज के, डॉगी के हमारे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माई फ्रेंड, आप वो ज़रूर वो तरीके अपनाई कीजिए, शैम्पू हो, स्पॉट ऑन हो या स्प्रे हो, उससे वो खुद ही भाग जाएंगे उसकी बॉडी से। अतुल मिश्रा, सर बुल मस्टिफ क्या होम ब्रीडिंग के लिए अच्छा रहेगा एंड अच्छी क्वालिटी का बुल मस्टिफ का क्या प्राइस होगा सर? सर ये कुछ 30-40 हज़ार से शुरू होने वाली ब्रीड है। हाँ ये ब्रीड अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ब्रीड थोड़ी कम पाई जाती है, तो अगर आपके एरिए में डिमांड है तो जरूर जाइए, लेकिन अदरवाइज अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि, क्योंकि ये थोड़ी सी शेकिंग ग्राउंड है इसमें, अगर आप लैब और जर्मन शेफर्ड पग इन सब के या रॉटवाइलर इनके हिसाब से इनकी सेल थोड़ी कम होती है। सैयद ओवैस ज़ियादी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैब्राडोर एंड लैब्राडोर रिट्रीवर, प्लीज टेल मी योर प्रॉपर एड्रेस, थैंक्स। एक्चुअली सर हम, मैं जलंधर पंजाब से हूँ, आप GPS पर सर्च कर सकते हो गरेवाल पेट शॉप एंड फार्म, या फिर भोला शोला के फार्म के नाम से आप सर्च कर सकते हो। बाकी दूसरी रही बात माय फ्रेंड, लेब्राडोर एंड लेब्राडोर रिट्रीवर ये दोनों एक ही ब्रीड है, क्योंकि इनका नाम है, फुल प्रोनाउंस इनका लेब्राडोर रिट्रीवर। बाकी इनके लैब लेब्रा ये हम अलग अलग बहुत सारे निक नेम हैं इनके, बट इसका फुल जो ग्रामर नेम है लेब्राडोर रिट्रीवर। आगे सर दीपक चक्रवर्ती, सर मेरे पग को पार्वो हो गया है, 40 डेज का है। ओह गॉड माय फ्रेंड, आप कंटिन्यू डॉक्टर के साहब के पास जाइए, जो भी इसको ड्रिप लग रहे हैं कंटिन्यूस लगवाइए माय फ्रेंड, और वो जल्दी से होप सो ठीक हो जाए, क्योंकि पार्वो क्या एक ही सबसे बड़ा सावधानी यही है कि इसको जितना जल्दी पहले बीमारी को हम कैच कर लें या ट्रेस कर लें और सही ट्रीटमेंट करवाएं। अरे अगर समय हमें कैलाश भोई जी ने 100 रुपये का सुपर चैट किया है सर, क्या नाम है, क्या क्वेश्चन सर? कैलाश कोई क्वेश्चन नहीं है। कैलाश सर थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड फॉर सपोर्टिंग आस माय फ्रेंड, थैंक यू। हरकीरत सिंह, सर 5 मंथ GSD का वेट कितना होना चाहिए? 5 मंथ GSD सर मोर देन 20 kg या 20 kg के आसपास तो हो। योगेश कृष्णिया, सर राजस्थान में हस्की स्टेबल है क्या? बिल्कुल माय फ्रेंड बिल्कुल। आगे सर मनु गौर, सर मेरा रॉटवाइलर डॉग 15 मंथ्स का है, बहुत कमजोर है, फूड भी अच्छा देता हूँ, डाइट भी ठीक है, खाता भी ठीक है और डिवॉर्मिंग भी टाइमिंग पे होती है सर, फिर भी कमजोर है। सर फिर तो मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या दिक्कत है, आप वो फीड चेंज कर देखिए और कोई बॉडी गेन है जरूर ट्राई कर देखिए, जैसे ये पप्पी पावर से स्टार्ट कीजिए, बॉडी गेन हम बाद में ट्राई करेंगे, लेकिन पप्पी पावर अगर आप ट्राई करोगे तो उसी से आपको बहुत सारा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। रोहन रॉय, हाय सर गार्ड डॉग के कौन सी ब्रीड ठीक रहेगी, GSD डॉबरमैन और रॉटवाइलर, मेरा चॉइस डॉबरमैन है सर, प्लीज बताइए। डॉबरमैन पिंचर बहुत अच्छा ब्रीड है, बहुत लोग, एक समय था जब हर दूसरे तीसरे घर में या पंजाब में हुआ करते थे, लेकिन इसकी जगह रॉटवाइलर में ले ली, क्योंकि आजकल ज़माना है मस्कुलर ब्रीडों का, मोटी तगड़ी है। और एक नई ब्रीड ये आई है अमेरिकन बुली, ये भी काफ़ी हैवी बोन होते हैं और इनकी पहचान होती है ये कलर आपको और किसी ब्रीड में बहुत कम मिलेगा, अमेरिकन बुली में मिलेगा। अमेरिकन बुली बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, जर्मन शेफर्ड भी बहुत अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, रॉटवाइलर जर्मन शेफर्ड सॉरी रॉटवाइलर डॉबरमैन पिंचर ज़्यादातर बड़े घरों में रहना पसंद करते हैं। सर आगे हमें प्रशांत शर्मा जी ने 100 रुपये का सुपर चैट किया है, सर इनका सवाल है, सर मैंने आज ही आपके यहाँ से अमेरिकन बुली पप्पी लिया है सर, कब तक मेरे पास आ जाएगा, कानपुर से सर। हाँ प्रशांत सर, मैं आज ऑफिस तो अभी नहीं जा पाया, पूरी जो डिटेल होगी वो ऑफिस में होगी, लेकिन आप अगर वो पपी फाइनल हो चुका है तो माय फ्रेंड आप जल्दी से अपना आधार कार्ड की फ़ोटो दोनों तरफ से और एक एक्टिव मोबाइल नंबर
जी हाँ, बस ये सब हमें सेंड कीजिए। आपको हो सकता है कि जो भी यहाँ से फास्ट सर्विस होगी, बस या फिर ट्रेन, आपको बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया जाएगा विद इन होप सो टुमारो। सर आगे हम कुलदीप सिंह जी ने 100 रुपये का सुपर चैट किया है सर, ये बोल रहे हैं सर, सर यू आर इंस्पायरेशन फॉर ऑल एंड फॉर योर वर्क, अ बिग सल्यूट टू यू सर। क्या नाम सर का? कुलदीप सिंह। कुलदीप सर थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड, आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। आपके लिए ये बैठना है, आपके लिए आपके सवालों के जवाब देने, दिस इज माई ड्यूटी। तो थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड, फिर भी आप इतने रिस्पेक्ट करते हो। इनसे पहले क्या सर का ना, जिनका 500 रुपये का, प्रशांत शर्मा सर, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो हमें हेल्प किया स्ट्रीट डॉग और फीडिंग मेडिसिन के में उनकी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आशीष के भाई, GHD लैब्राडोर को बिना नॉन वेज दिए पा सकते हैं सर? हाँ, कंटिन्यूस फीड पर रखिए। शिवम, अगर आप नॉन वेज नहीं देना चाहते, फीड भी नॉन वेज आती है, अगर फीड भी नॉन वेज नहीं देना चाहते तो वेज फीड पर मल्टी विटामिन कैल्शियम देने कंपलसरी हो जाते हैं। आगे सर शिवम जी बोले सर, राम राम भाई जी, कैसे हो भाई जी? आई एम यश चौधरी फ्रॉम मुजफ्फरनगर। बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हो जनाब? मुजफ्फरनगर में आप कैसा है, सब ठीक ठाक? होप आपकी फैमिली, आपका बिजनेस डूइंग गुड। सुमन देवनाथ, ब्रिटिश बुलडॉग प्राइस विद पेपर सर? ये कुछ लगभग 80-90 हज़ार से शुरू होकर 1.5 लाख तक सर। आगे सर किंग ब्रॉलर, हेलो सर। हाय आशु कुमार, अमेरिकन बुली माइक्रो इतना कॉस्टली क्यों है सर? जा रहा तो मैं नहीं, और काफी यूनिक ब्रीड है इस कारण हो सकता है, बाकी ये मैं तो ये नहीं समझता कि इसके रखरखाव में कोई अलग हमें चीज यूज करनी होती है। रखरखाव में तो कुछ नहीं है, सेम सिंपल पैटर्न है, बट वो ब्रीड कम हुआ है इंडिया में, नहीं है, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा। मोहित डिगान, हेलो सर। हाय तन्मय रंगोत्वर, हेलो सर, अमेरिकन बुली का क्या प्राइस है सर? 20,000 के आसपास से स्टार्ट होते हैं इस तरह के मोटे तगड़े ब्लू कलर बच्चे। अंशु राणा भाई, 33 डेज के पप्पी को क्या दे सर? 33 डेज के पप्पी को स्टार्टर फीड दीजिए, दिन में कम से कम 4 टाइम, चाहे थोड़ी थोड़ी दीजिए। करण में सर, मेरा फ्रेंच बुलडॉग गेन नहीं हो रहा, डिवॉर्मिंग भी की, कैल्शियम भी दिया, फीड भी दे रहे हैं सर। बॉडी गेनर दीजिए सर, पप्पी पावर हमारा प्रोडक्ट है, वो ट्राई कीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट। सीमा वर्मा सर, अर्जेंट है, मेरे पप्पी को पार्वो हो गया है, तो मैं क्या करूं इस बीच तक? 2 टिप लग चले हैं और आज भी लगी है सर, फिर भी। मैडम ये ड्रिप कभी कभी तो 7 से 10 दिन तक लगवानी पड़ती है कंटिन्यूस, आप प्लीज लगवाइए और डोंट वरी, आपका डॉगी ठीक हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट, और कंटिन्यू डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि राइट नाउ ड्रिप के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे मालूम है इसमें प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होता है, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, आई प्रे टू माई गॉड, बट प्लीज़ 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 कंटिन्यूस ड्रिप लगाते रहिए जितनी बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इंजीनियर नितिन, हेलो सर, हेलो बोली, हेलो, मार्वेलस अबाउट एवरीथिंग, आई वांट टू बाय इट। हाँ जी जी, डॉग खरीदना चाहते हैं सर। क्या नाम सर का? मार्वेलस अबाउट एवरीथिंग। ओके मार्वेलस सर, एक्चुअली सर ये अमेरिकन बुली है, और अगर फीमेल में आप लेना चाहो तो 15,000 के आसपास से स्टार्टिंग होती है, और मेल 20,000 से स्टार्ट होता है। आगे सर सन्यम मलिक, सर पॉकेट साइज अमेरिकन बुली कितने का है सर? पॉकेट साइज माय फ्रेंड ये 25-30 से शुरू होगा। सिलीगुड़ी क्रिकेट, हाय सर, जस्ट फन सर, मुझे चाहिए ये पप, मिल जाएगा माय फ्रेंड। आप हमारे IBR नंबर 8289088895 पर कॉल जरूर कीजिए। डॉग्स लवर सर नमस्ते, और सर मेरा पग मेरा डॉग खाने में नखरे करता है, 2 मंथ हो गए हैं, दिन में 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता। रोटी मत दीजिए माय फ्रेंड, डॉग को जितना हो सके डॉग फीड ज़रूर दीजिए, और उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको,
और लीवर टॉनिक की हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि अगर डॉग फीड देने के बावजूद भी आनाकानी करता है तो लीवर टॉनिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बनु शर्मा, कल शाम एक फीमेल 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, इसी फीमेल ने एक 9 मंथ्स की फीमेल को ईयर पर बाइट कर दिया लिया, रैबिस दोनों को लगवाया है सर, फिर भी कोई डरने की बात नहीं है। आप फिर भी वो घाव को देखिए, क्योंकि गर्मियों का महीना है, जो घाव इसमें डॉग को होना नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा सा स्क्रैच ही क्यों ना हो, और बट रैबिस अगर दोनों को लगा हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है। शिवम चक्रवर्ती, दिस डॉग इज बीटेबल सर? नो सर, दिस इज अमेरिकन बुल्ली। हाँ, कुछ लोग इसको पिटबुल ही कह देते हैं। आगे सर, हरदीप सिंह, सर मेरे डॉग क्या का हेड ग्रो नहीं कर रहा है सर? सर उसके लिए तो आपको अच्छी कंपनी का कैल्शियम एंड हमारा साथ में बॉडी गेनर ट्राई करना पड़ेगा, या पपी पावर ट्राई कर लीजिए, लेकिन डॉग को डिवॉर्मिंग ज़रूर कीजिए, ये सब ऐसा कोई भी सप्लीमेंट देने से पहले। आवाज जोशी, सर मेरे 6 मंथ रॉटवाइलर के का वेट 27 है, ठीक है सर? 6 मंथ रॉटवाइलर्स 27, इट्स गुड सर, बहुत बढ़िया है, मैं तो ये कहूँगा, ज़्यादा मुझे मोटा नहीं चाहिए रॉटवाइलर। विवेक चौबे ने सर हमें 20 रुपए का सुपर चैट किया है सर इन्होंने। विवेक सर थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय फ्रेंड, आपका बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रिंस गिल, हाय सर। हेलो। इंजीनियर नितिन सनिका सर्विसेज वाले, हेलो सर, मेरा 45 डेज जीएसडी पपी गोदी उठाने पे गुस्सा क्यों करता है सर? डॉग हमेशा ही, जैसे अभी मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ, अगर मैं यही 1 मंथ या 2 मंथ के बाद मैं इसको ट्राई करूँगा तो ये गोदी में नहीं बैठेगा। कैट जो होते हैं वो ज़्यादातर पसंद करते हैं किटन, डॉगी से उलट होता है, वो गोदी में बैठना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये जो डॉग होते हैं हमारे फ्रेंड, ये ज़्यादातर गोदी में उठाना पसंद नहीं करते। स्मॉल ब्रीड हो तो बात अलग है, बड़ी ब्रीड बिल्कुल नहीं। राजवीर सिद्धू, सर जी अमेरिकन बुली कनेडा है? अमेरिकन बिल्लू बुली मेरे फ्रेंड कुछ यही 18-20 हज़ार से स्टार्ट होगा, बाकी क्वालिटी वाइज बढ़ता जाएगा, फीमेल यही कुछ 15-13 के आसपास से। आगे सर शुभम, सर जीएसडी 10 मंथ्स एंड 14 डेज ओल्ड 20 kg वेट है, पर हीट पर नहीं आ रही सर, क्या करें सर? सर आप उसका एक बार पेट के कीड़ों की दवाई देकर माय फ्रेंड उसको आप मल्टीविटामिन देना स्टार्ट कीजिए किसी भी कंपनी का, या फिर उबले हुए अंडे स्टार्ट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। निखिल शाह, हेलो सर, मेरे डॉग के पैरों में रेड स्वेलिंग हो गई है सर, कोई ट्रीटमेंट बताइए प्लीज। माय फ्रेंड मैं कहूँगा आप डॉक्टर साहब के पास जाइए एक बार, क्योंकि रेड स्वेलिंग मैं से प्रॉपर समझ नहीं पा रहा किस तरह की स्वेलिंग है, बट आप ज़रूर एक बार डॉक्टर साहब के पास जाइए सर, साई बिना देखे बहुत मुश्किल है बता पाना। साई किरण, हाय सर, फार्म वीडियो बनाइए प्लीज बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी। फंकीज क्रिएशन, मेरा मेल पग खूब एंग्री हो जाता है सर। पग तो एंग्री नहीं होते, पग वैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हमें थोड़ा या रिएक्ट हमें थोड़ा डांटना पड़ता है जब वो थोड़ा सा ओवर द लिमिट क्रॉस करते हैं। आगे सर प्रभ रामगढ़िया, सर पिटबुल फार्म हाउस में अकेला रहने के लिए कैसा है सर? पिटबुल बड़े घरों में ही रखना पसंद किया जाता है, वो बड़े घर की ब्रीड है, बट उसको जरूर आप, मैं अभी ये कहूँगा फ्रेंडली जरूर बनाए रखिए, चाहे फार्म में रहने दीजिए उसको, लेकिन आपका उसके साथ जो बॉन्डिंग टाइम है, टाइम एक्सपेंड जरूर कीजिए। आगे सर क्लासिक कलेक्शन, सर मेरे पग को 5 मंथ पहले हीट आया था, बट उसको अभी यूराइन में ब्लड आ रहा था 2 दिन पहले, तो ये गर्मी से हुआ या उसको फिर से हीट आई है? हीट आई है लगभग मेरे हिसाब से, तो आप आज ही अगर उसकी डिवॉर्मिंग करोगे माई फ्रेंड तो होप सब ये हीट प्रॉपर खुल कर आ जाएगी, नहीं तो एक बार फिर स्लाइड जरूर बनवा लेना, स्लाइड से आपको प्रॉपर टाइम मालूम पड़ जाएगा मीटिंग का। हैरी गुलाल, सर फीमेल मेरा फीमेल डॉग अमेरिकन बुली की ग्रोथ नहीं हो रही सर?
माय फ्रेंड अपने एज नहीं बताई, बॉडी वेट नहीं। अगर तो या तो मैं यही कहूँगा कि एक बार डिवॉर्मिंग कर अच्छी कंपनी की डॉग फीड स्टार्ट कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत देखिए कि गर्मियाँ हैं, अगर आपका डॉग खाता है डाइजेस्ट करता है तो बिल्कुल आप दे सकते हो। उसके बाद आप हमारा प्रोडक्ट पपी पावर स्टार्ट कर सकते हो, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया माय फ्रेंड। और अगर वो डॉग 3 महीने से प्लस है तो बॉडी गेनर स्टार्ट कीजिए। सर आगे हमें रिलैक्स जी ने 400 का सुपर चैट किया है। सर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं। रिलैक्सर अगेन, आप हर बार हमें सपोर्ट करते हो लेकिन कभी आप क्वेश्चन नहीं पूछते। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, लेकिन प्लीज कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट माय फ्रेंड, थैंक यू। आगे सर गौतम पनेचा है। सर हेलो आदित्य सिंह, सर मेरा लैब्राडोर 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। सर शायद उसको बुखार हो, अगर तो वो चुपचाप किसी कोने में बैठा है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, खेल कूद नहीं रहा है तो बुखार हो सकता है। जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए, एक बार बॉडी टेम्परेचर चेक करवा लीजिए। अगर डॉक्टर साहब पास में नहीं है तो फिर हो सकता है कि इंसानों के बच्चों की दवाई देकर देखिए माय फ्रेंड। आगे सर बुखार की होती है। अर्शदीप सिंह, सर मेरा डॉग को पिंपल हो रहा है स्टमक के नीचे, क्या करूं सर? माय फ्रेंड अगर तो हाँ, शायद उसका एक कारण ये है कि आप डॉग को गीली जगह हम क्या कहते हैं ना, गर्मियों में जब गर्मी हमें लगती है कि जो यार गर्मी बहुत बढ़ गया, डॉग को बहुत लग रही होगी, तो हम उसके नीचे जो कपड़ा बिछा होता है गीला या कोई और चीज़ बिछी होती है उसको गीला कर देते हैं, जहाँ फिर डॉग को मट्टी में पानी गिराकर वहाँ कहते हैं आराम कर ले, या फर्श पर, या कभी कभी डॉग या पीने वाला पानी होता है ना उसी को गिराकर उसी के ऊपर बैठ जाता है, तो उस कारण फिर नीचे वो पिंपल से होने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हल है माय फ्रेंड, ये दवाई भी ट्राई कर सकते हो आप, ये कंपनी की दवाई भी ट्राई कर सकते हो आप, इन दोनों का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट जी। अगर सर राजीव रंजन, इंडियन स्पीड्स पपी 50 डेज का है सर, वेट 22 kg है ओनली। हाँ नहीं कोई बुरी बात नहीं है सर, क्योंकि जो पमरेनियम ये ब्रीड है ना, ये ब्रीड छोटी ही रहती है और इसका मैक्सिमम बॉडी वेट भी 7-8 kg तक ही जाता है, या मैक्सिमम 10 तक चला जाए, लेकिन ये गोइंग ठीक गुड। तुषार जी, सर मैंने आपका ऐप पर आज GST का पिक भेजा और आपका कोई मेंबर ने बोला कि मेरा डॉग मिक्स्ड जर्मन शेफर्ड है। माय फ्रेंड अभी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज जयदीप जी रिप्लाई कर रहे हैं ऐप पर, क्योंकि साहिल सर ऑफ है, फैमिली के किसी काम से आज वो ज्वाइन नहीं किया हमारे साथ, वो आज डे ऑफ लीव लिया है उन्होंने, तो आज मैं भी ऑफिस में गया था लेकिन इतना ज़्यादा समय नहीं IVR टीम के साथ बैठ पाया। तो एक बार दोबारा आप प्लीज़ वॉइस मैसेज सेंड करना और उनको बोलो कि पिक्चर मेरे तक फॉरवर्ड करें, मैं आपको जितना हो सके बेटर भी हेल्प कर पाऊँगा। अगर सर सूरज जब भी हमारी पिटबुल इज फर्स्ट मीटिंग वेट प्रॉब्लम मीटिंग फॉर रेगुलर वेट, क्या माई पिटबुल इज फर्स्ट मीटिंग वेट प्रॉब्लम मीटिंग फॉर रेगुलर वेट, सॉरी क्या नाम सर का? सूरज सर। सूरज सर मैं नहीं समझ पाया आप क्या कह रहे हो, कि डॉग मीटिंग नहीं कर पा रहा बिकॉज ओवरवेट है, या फीमेल की बात कर रहे हो या मेल की? बहुत मुश्किल है, अगर मैं गेस कर भी जवाब दूं तो भी बहुत मुश्किल है सर समझ पाना मेरे लिए। अगे सर सॉरी। वरुण शर्मा, सर मैंने आपको अपने पपी की पिक्चर सेंड करनी, कृपया बताइए किस एप्लीकेशन पर लोड करूं सर? भोला शोला की हमारी जो एप्लीकेशन है आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन दोनों पर अवेलेबल है, उस पर आप उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मैसेजिंग की ऑप्शन है, वहाँ पर आप फोटो अपना वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हो। सुख देओल, सर लैब्राडोर ब्लैक का प्राइस क्या है होगा सर आपसे लेना है? सर देखो अगर तो नॉर्मल क्वालिटी 10-12 से शुरू हो जाएगी, बढ़िया शो क्वालिटी शुरू होगी माई फ्रेंड कुछ यही 15 के आसपास से। थिंग्स यू नीड, मेरे पिटबुल के हेयर फॉल बहुत हो रहा है सर, ओमेगा 3 मिल्क और कर्ड बिल्कुल भी सूट नहीं करते सर, क्या करें? कर्ड तो बड़ी चलो मान लिया कि नहीं सूट करता, लेकिन मिल्क तो वैसे भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वही तो एक प्रॉब्लम की जड़ है कि डॉग को आप जो होता है ना
जो मिल्क होता है वो एक मेन वजह होता है डॉग का हेयर फॉलिंग का. तो आप प्लीज़ स्टे मिल्क मत दीजिए, नमक मिर्च मसाले वाला खाना मत दीजिए, डॉग को मीठा मत दीजिए. डॉग फीड थोड़ी थोड़ी ज़रूर दो, ज़रा दे पाओ तो इट्स गुड, आपके डॉग के बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, नहीं तो फिर ओमेगा 3 ओमेगा 6 देना पड़ेगा. सर आ गया सर दिगांता तालुकदार, सर एक लेबरा का कितना खर्चा हो सकता है अडल्ट 1 मंथ में? काफ़ी मुश्किल है ये सवाल का जवाब, क्योंकि कौन सी फीड अगर आप खिला रहे हो, अगर तुम 100 रुपये पर केजी वाली फीड खिला रहे हो या 1000 रुपये पर केजी वाली फीड, वहाँ पर आपका बजट ही लेगा माय फ्रेंड, ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, आई एम सॉरी, मेरे हाथ खड़े. जगदीश राजपूत, सर जी नमस्कार, मेरे लेब्राडोर फीमेल है, उसका बाल झड़ रहे हैं सर. हाँ सर, वैसे तो आजकल शेडिंग का ही मौसम है, आप कंघी जरूर कीजिए ताकि जो डेड बाल है वो आप बाहर निकाल लो, बॉडी से निकाल लो, ताकि वो अंदर डॉग घर के घूम रहा हो तो ये ना हो कि बाल गिरते रहें. आगे सर, बाकी माय फ्रेंड डॉग को हमेशा थोड़ा थोड़ा डॉग फीड देती रह देनी रहनी चाहिए, चाहे एक मुट्ठी चाहे आधी मुट्ठी, अगर बाकी आप घर का खाना दे रहे हो तो, कि कभी कभी ये बॉडी में कुछ कमियां होने के कारण भी हेयर फॉल होता है. हाँ सर, कल्यार साबिर, GSD पपी एंगुलेशन है, इसका कैसे पता चलता है सर? वो पीछे से झुका हुआ होता है. हरदीप सिंह, हेलो सर. हाय. हिमांशु सर, सत श्री अकाल फ्रॉम न्यूजीलैंड. हेलो, हाय न्यूजीलैंड. अभी सोए नहीं आप सर? थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा शो देखने के लिए इतनी रात को जागे हुए हो, मुझे मालूम है न्यूजीलैंड में तो मिडनाइट ऑलमोस्ट होगी ना. यस सर. यप. मुझे GSD चाहिए था, आपको कैसे कॉन्टेक्ट करूँ? सर 8289088895 नंबर है हमारा, अगर आप डॉगी लेना चाहते हो. बाकी अगर आपके पास हमारा एप्लीकेशन है वहाँ भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. अगर सर हिमांशु सबरवाल, You are doing a great job. Will meet you when I will come to India. Thank you very much, sir. Thank you. Rakesh Day, मेरा रॉट का ध्यान रखिएगा. मेरा रॉट मेल 3 मंथ का है सर, 12 kg वेट है, ठीक है सर? 3 मंथ में 12 kg is very very good. पल्लव सर, प्लीज सर आपका नंबर दे दीजिए. 8289088895 ये हमारा IVR का नंबर है. वहाँ आपको मैं खुद भी अपनी टीम के साथ ही होता हूँ माय फ्रेंड, जब भी हम IVR में काम करते हैं आप मुझसे बात कर सकते हो वहाँ भी, नथिंग प्रॉब्लम. रूपी कौर, या हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए प्लीज. हाय सर, मेरा 1 year old पग है सर, वो दही नहीं खाता, क्या करूँ मैं? एंड सर आई हैव हिम गूंद कतीरा, इट्स रियली गुड, थैंक यू सर. या गुंदकतीरा इज़ गुड फॉर समर टाइम, वो बहुत 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 बढ़िया काम करता है. बाकी अगर वो दही नहीं ले रहा तो कोई बात नहीं, आप जो लस्सी होती है ना वो ट्राई कर सकते हो, उसमें उसका वो भी गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होती है. डॉक्टर मनु मोहन, माइक्रो अमेरिकन बुली का क्या वेट है? कुछ माई फ्रेंड 1 लाख के आसपास. नहीं सर, उसका वेट चार्ट प्लीज सर. ये काफ़ी मुश्किल है फ्रेंड. राहुल यादव, मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर पाऊँगा, लेकिन पैटर्न वही चलता है कि लगभग 3 मंथ में वो 8 से 10 kg के बीच होना चाहिए, लगभग 6 to 7 मंथ में उसका बॉडी वेट गोइंग 15 से 20 kg. राहुल यादव, डॉग किस उम्र तक सीख जाता है सर? सर वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, बेस्ट टाइम ये है कि डॉग को आफ्टर 3 मंथ आप सिखा सकते हो. वैसे तो नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग आफ्टर 60 days भी आप स्टार्ट कर सकते हो. आगे सर स्वैपनील रोकड़े, सर अमेरिकन बुली कितने का है महाराष्ट्र में डिलीवरी के साथ? डिपेंड क्वालिटी सर, अगर आप 20,000 का पसंद करोगे तो 3,000 रुपया वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा आता है. अगर आप मान लीजिए कि अच्छा हैवी जो 30,000 का ही बच्चा है तो वहाँ तक पहुँचाने का खर्चा जो 2-3,000 रुपया होगा वो कुल मिलाकर 32-33 का आपको मिल जाएगा. पुनीत सिंह, 1 year 3 month का है, पता नहीं सर कौन सा. सॉरी. तरुण शर्मा, हेलो भैया कैसे हो आप सब, काफ़ी टाइम बाद आया मैं, बिकॉज मेरी पग की डेथ हो गई लीवर इन्फेक्शन से, डॉक्टर बहुत लेट कर दिया.
माय फ्रेंड देखो लीवर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है डॉग के, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जितना डॉग भिगा हुआ खाना, चाहे वो पानी में हो, लस्सी में हो, दही में हो, वो अगर दोगे तो आपका डॉग बहुत बढ़िया रहेगा और लीवर की प्रॉब्लम से बचता रहेगा। आगे सर नीतीश सर लाशा एपिसोड क्या हेयर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए सर? ओमेगा 3 ओमेगा 6 दीजिए। आगे सर मनु मोहन हेलो सर प्लीज वेट प्लान माइक्रोबली, मैंने ऑलरेडी बता दिया इनको। सुनील यादव सर मेरे पास जीएसडी फीमेल है 11 मंथ की है, वेट 21.5 kg है, अब खाना नहीं खाती, बहुत परेशान हो गया हूँ, डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ सर। लीवर टॉनिक की देखो अगर डॉग खाना नहीं खा रहा तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लीवर टॉनिक, लीवर टॉनिक देना चाहिए हमें बहुत ज़रूरी। उसके बाद होता है किसी टॉपिंग करना, उबला हुआ अंडा सॉसेज आते हैं डॉग उबला एग से स्टार्ट करा सकते हो, मीट चंक्स आते हैं उससे ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं खा रहा तो फिर आप एक बार जरूर उसका टेस्ट करवाइए, वहाँ आपको लगे कि इसके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या क्या अंदर गड़बड़ है। अगर आप टॉपिंग भी कर चुके हो, लीवर टॉनिक भी दे चुके हो, फिर भी रिजल्ट ना मिले तो फिर टेस्ट के बिना ट्रीटमेंट मत करवाइए। प्रिंस कुमार हेलो सर। हाय नरेंद्र गिरी हाय सर, बुली प्राइज आपके हाथ में जो है? अब ये हमारे हाथ में फीमेल है मेरे फ्रेंड, ऐसा क्वालिटी में आपको बता सकता हूँ, फिक्स प्राइस काफ़ी मुश्किल है। लगभग ये फीमेल अगर आप कहो तो 15-18 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। बुली इस तरह का अगर मेल ज़्यादातर हो तो ये स्टार्ट हो जाता है कुछ 20-22 से। बुली में क्या है ना, जितना ज़्यादा ब्लू कलर आएगा उसका प्राइस उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, अगर जितना ज़्यादा मोटा तगड़ा होगा उस हिसाब से भी प्राइस बढ़ता रहता है। अमित भगत सर मेरे पास 4 मंथ ओल्ड डाबरमैन है और उसका वेट 13 kg है, क्या वेट ठीक है सर, सही है? जी गुड। भारत कुमार हेलो सर क्या हाल है आपका, एंड सर मैं मेरा रॉटवेलर पपी को पावर पैक दे रहा हूँ तो उसके साथ कैल्शियम मल्टीविटामिन देना जरूरी हो? बिल्कुल आप दे सकते हो, जरूरी ये नहीं है कि नहीं देना है ना। अगर आपका डॉग पावर पैक के साथ अच्छा ग्रो कर रहा है, आप जब 10-15-20 दिन के बाद उसका बॉडी वेट देख रहे हो तो मत दीजिए वैसे, लेकिन कैल्शियम देना एक ग्रोइंग पीरियड टाइम, मल्टीविटामिन देना इन ग्रोइंग पीरियड टाइम डॉग के इज रियली गुड। मिश्रा ऋषि राज सर बाइक व्हीकल पे ले जाना पॉसिबल है डॉग को? बिल्कुल, यहाँ पर मैं कभी आपको फोटो शूट करूँगा, हमारे एक फ्रेंड है उनके पास पग है और उन्होंने वो स्प्लेंडर के आगे खड़ा किया होता है, और एक और जनाब है यहाँ पर लेब्राडोर उनके पास है और उनके पास एक्टिवा है शायद, स्कूटरी होती है टू व्हीलर, और उसके पीछे बिठाई होती है। तो बहुत आप ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं हर एक चीज़ें, बस हमारे पास समय होना चाहिए इनके लिए। चीमा रिपन सर मेरे फीमेल पिटबुल हीट पर आने वाली है, अभी क्रॉस कराना ठीक है सर? अगर 1 साल के प्लस उसकी एज हो गई है तो आप करवा सकते हो। मिश्रा ऋषि राज सर डॉग को व्हीकल हो गया सर। सुशील जैन हेलो सर हाय सर। हाय मिश्रा ऋषि उधर से ले लो अगर सेम सेम क्वेश्चन। आगे सर राजीव वर्मा सर मैंने आपके यहाँ से पोटी ट्रेनिंग लिया था, वो काम नहीं कर रहा था, क्यों सर? सर ऐसा आप कहाँ कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या निकला था, वो कह रहे थे कि मैं बाथरूम में जाकर पोटी ट्रेनिंग यूज़ करता हूँ स्प्रे, और वो एक बार वहाँ जाता है उसके बाद वहाँ जाता नहीं है, लेकिन वो खुद क्या करते थे वहाँ से वहाँ उसको वॉश कर देते थे। ये एक स्मेल है, स्मेल को डॉग फॉलो कर कर वहाँ जाता है, तो अगर हम वॉशरूम में जाकर स्प्रे करेंगे तो जब तक उसकी स्मेल है वहाँ पर वो डॉग जाएगा, उसके बाद हम जमा लें आपने नहा लिया, फैमिली के किसी और मेंबर ने नहाया तो फॉर वॉशरूम को वॉश कर दिया, तो फिर बाद में वो स्मेल रहेगी नहीं, पानी के साथ चली जाएगी। तो जहाँ तो उस जगह ट्राई करो जहाँ पर वो स्मेल देर तक रहे, कोई आपके जैसे रूफ टॉप में कोई जगह होती है या कोई और ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप डॉग की पोटी आसानी से वॉश आउट कर पाओ, लेकिन उसकी ज़्यादा धोना मत उसको ताकि उसकी स्मेल लंबे समय तक वहाँ रहे। आदित्य सिंह सर प्लीज हेल्प मेरा लैब 2 दिन से खाना नहीं, उनको हमने बोल दिया है। निखिल यादव सर 2 मंथ के पपी को क्या खाने में दे सकते हैं? स्टार्टर फीड सर किसी भी कंपनी की, पेडिग्री ड्रूज रॉयल कैनन इवन स्मार्ट आर्ट, स्टार्टर फीड देना। एक मेरा वीडियो है उसका नाम है पपी फीडिंग डाइट चार्ट अप टू एज 90,
सूरज, हेलो सर, माय फीमेल पिटबुल इज वेट इज 30, फर्स्ट मीटिंग इज रेगुलर वेट प्रॉब्लम इज 1 year old. क्या दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, समझ नहीं पाया. सूरज जी पूछ रहे हैं सर, हेलो सर, माय फीमेल पिटबुल इज वेट इज 31st मीटिंग. सर 31st अगर डॉग का बॉडी वेट है तो इट्स नॉट अ बैड, फीमेल है वो, फीमेल का बॉडी वेट जितना अच्छा ठीक रहेगा, मेंटेन रहेगा. 30 kg में फीमेल एक साल की, मेरे इमेजिन से वो हेल्थी डॉग है, मैं उसको मोटा नहीं गौर करना चाहूँगा. अगर सर गुरमीत सिंह, हेलो सर, एम कॉकर स्पेनियल प्राइस सर. क्रॉकर स्पेनियल ये कुछ सर 12 से 15 के बीच स्टार्टिंग हो जाएगा, देन क्वालिटी वाइज बढ़ता जाएगा. गगन भाटिया, मेरा जो पिटबुल डॉग है वो 1 year का है, वो भी दही नहीं खाता और वो कुछ दिनों से खाना भी नहीं खा रहा है सर, मैं क्या करूँ सर? उसका लीवर टॉनिक, लीवर टॉनिक की हेल्प लीजिए. जहाँ कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था, उसका नाम था व्हाट शुड आई डू इफ माई डॉग इज नॉट ईटिंग, आपके सारे सवालों के जवाब उस वीडियो में. देव आशीष ठकुराल, सर आज इतनी जल्दी लाइव आ गए सर. यस माई फ्रेंड, तो टाइम चेंज किया हम लोगों ने, क्योंकि हम कभी कभी 8 बज जाते हैं हमें लाइव शो होने होने, तो भी शायद लगा कि शायद बहुत सारे माई फ्रेंड चाहते हैं कि हमें समय चेंज किया जाए, तो उसी के एक्सपेरिमेंट किया कि आज समय चेंज कर लेकर देखते हैं. इंडियन टेक्नो भाई, हेलो सर जी एंड टीम. हाय हाय. आशीष कुमार, अमेरिकन बुली पॉकेट साइज इज अ गुड गार्ड डॉग. अमेरिकन बुली इट्स ऑलवेज गुड गार्ड डॉग. और क्या था इंडियन टेक्नो गाइज है ना. हाय, कैसा चल रहा है आपका, घर में सब कैसे हैं? साहिल कुमार, हाय सर. हेलो. विनय नारायणिया, सर 2 month के पप्पी को लीवर टॉनिक दे सकते हैं क्या? बिल्कुल माय फ्रेंड, लेकिन उसकी डोज हमेशा, अगर आप किसी भी कंपनी का लीवर टॉनिक ट्राई करो ना माय फ्रेंड, उसमें हमेशा डोज लिखी होती है. ये देखिए यहाँ पर पप्पीज की डोज है 1 to 2 ml पर डे, उसके बाद फिर आ जाता है स्मॉल ब्रीड, मीडियम ब्रीड. ये लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है, आप डॉग के खान पान में कोई दिक्कत नहीं आती. आगे सर अमन कुमार, हाय सर. हेलो. आगे सर अमृत सिंह, सर मेरे डॉग को डिलीवरी को देखा दिकार आ ही, मेरे हिसाब से 67 डेज हो गए हैं और अल्ट्रासाउंड के डॉक्यूमेंट के हिसाब से 60 to 63 डेज उसको पेन भी नहीं आ रहा, फ्लड आया है, पता नहीं सर. एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ. अमृत सिंह, सर मेरे डॉग को डिलीवरी को दिकार आ रही, मेरे हिसाब से 67 डेज हो गए हैं और अल्ट्रासाउंड के डॉक्यूमेंट के हिसाब से 60 to 63 डेज उसको पेन भी नहीं आ रहा. एक्चुअली मैं समझ गया सर, जरूर 60 to 62 डेज पर डिलीवरी होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में 65, 67 और कभी कभी 70 डेज तक भी दिन चले जाते हैं. लेकिन आप अभी आप ज़्यादा अगर ऑलरेडी 67 या 68 डेज हो गए हैं तो ज़्यादा वेट मत कीजिए, डॉक्टर साहब के पास ले जाइए, वो ड्रिप लगाकर सोलाइन वगैरह लगाकर वो डॉग की डिलीवरी कर देंगे, उसके थ्रू कुछ इंजेक्शन लगाकर. आगे सर तो आप ज़्यादा वेट मत कीजिए, जितना हो सके जल्दी डॉक्टर साहब के पास ले जाइए. आगे सर वृद्धि अब्रॉल, कैन वी मेक नॉन केसीआई रजिस्टर डॉग टू केसीआई रजिस्टर सर? हाँ बिल्कुल, उसका एक प्रोसेस होता है कि आपके एरिया में जब भी डॉग शो होगा वहाँ स्पेशल कैंप लगता है. अगर आप अपना डॉग रजिस्टर करवाना चाहो वहाँ आपको अपना डॉग लेकर जाना होगा, वहाँ के जो जज हैं केसीआई के उनको दिखाना होगा. अगर उनको लगा कि आपका डॉग बढ़िया है, वाकई में उस लेवल का है, तो वो रजिस्टर करने के लिए आपको परमिशन दे सकते हैं. डॉग टीचर, सर डॉग को कटा हुआ कैसे सही करें? ये काफ़ी मुश्किल, समझ नहीं पाया मैं ये क्वेश्चन, कटा हुआ क्या, कटा हुआ उसका आप वैसे अगर कोई घाव है या कोई कट गया या कोई चोट लग गई है तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू हीलिंग, क्या वीडियो नाम था, हाउ टू हीलिंग ए डॉग इंजरी, ऐसा
अब वो वीडियो देखिए, डेमो वीडियो है वो, क्या वैसा ही घाव है, तो उस हिसाब से मैंने मेडिसिन वहाँ बताया है उस वीडियो में। ओके सर, एंडी टैटूज सर, रॉटवाइलर पपी कितने में मिलेगा? सर 15,000 के आसपास स्टार्ट होते हैं। बढ़िया प्रिंस, हाय सर। हेलो नरदीप सिंह, हाय, आई कैन आस्क वेयर द भोला शोला शॉप इज? जलंधर पंजाब सर, आप जीपीएस पर सर्च कर सकते हो भोला शोला प्राइवेट लिमिटेड। अर्जुन चौहान, हाय सर। हेलो, कूल, डॉग लाइसेंस इज मैंडेटरी? बिल्कुल माय फ्रेंड, अगर आप गवर्नमेंट के हर रूल्स जो भी उनके रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हो तो लाइसेंस जरूर लीजिए, उसका बहुत फायदा है फ्यूचर में। तनिष्क सिंह, सर मेरे पास लैब्राडोर है, वो खाना नहीं खा रहा, क्या वजह है सर? लीवर टॉनिक की जरूरत है, मौसम चेंज होने के कारण कभी कभी डॉग खाना नहीं खाते। या तो आप खाने को मजेदार बनाइए थोड़ा टॉपिंग कर, जो मेरा वीडियो है व्हाट शुड आई डू इफ माय डॉग इज नॉट ईटिंग, आपके सवाल का जवाब डेमो के साथ डिटेल में है वहां पर। टेक्निकल लाइफ, जर्मन शेफर्ड प्राइस इन महाराष्ट्र सर? डिपेंड क्वालिटी सर, 10-12 से पेट क्वालिटी शुरू होगा, बढ़िया शो क्वालिटी 15-18 से शुरू होगा। विकास कुमार, सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल जी, एके गेमिंग क्लब, एफबी पे स्ट्रीम फास्ट है सर? ओह ग्रेट। ऑफिस डीओसी, हेलो भैया, मैंने 3 इंडियन प्रिया अडॉप्ट, अभी 4 मंथ के हैं, 1 फीमेल 9 केजी वेट है, 1 मेल 9.5 केजी, 1 मेल 11 केजी, क्या ये वेट सही है सर? गर्मी है। गोइंग गुड, बहुत अच्छा चाह रहे हैं अभी गर्मी होने के बावजूद भी। प्रफुल सिनवाल, सर मुझे आपसे शो क्वालिटी अमेरिकन बुली चाहिए। 30,000 के आसपास से स्टार्ट होगा, ब्लू कलर में, नीली आंखों वाला बच्चा, हैवी बोन में। कुशाग्रा चंदर, सर जीएसडी और रॉटवेलर साथ रह सकते हैं सर? बिल्कुल माय फ्रेंड। अक्षय परब, सर प्योर पिटबुल की प्राइस कितनी होगी और आप मुंबई में डिलीवर करोगे, क्या प्लीज रिप्लाई सर, कॉन्टेक्ट नहीं 8980888 9 5 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, वो आप कर सकते हो माय फ्रेंड कभी भी कॉल वहाँ पर। बाकी माय फ्रेंड हाँ ज़रूर, ये है कि पिटबुल वैसे तो अभी 8-10,000 से शुरू होने वाली ब्रीड है, लेकिन जो बढ़िया है कोल्ड ब्लड लाइन के शो क्वालिटी वो लगभग आपको 18-20 से स्टार्ट मिलेंगे, जैसे कि अमेरिकन बुली। निखिल, सर मेरे पास जीएसडी फीमेल है 8 मंथ्स की, लो बोन एंड मैं होर वो कमज़ोर है सर, उसकी बॉडी ग्रो करने के लिए कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करो। ये पपी पावर है माय फ्रेंड, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर लीजिए या फिर हमारा वीडियोस देख सकते हो आप हाउ टू ग्रो योर डॉग हेड एंड बॉडी के नाम से। अगर सर प्रब रामगढ़िया, सर कौन सा पिटबुल बेस्ट है, एवीपीटी या फिर नॉर्मल? ये बहुत सारे हैं ना, पिटबुल एवीपीटी स्टैफर्ड के साथ हैं, टारियर के साथ हैं, बहुत सारा है। मैं ये कहूँगा कि कोल्ड ब्लड लाइन का 20-22,000 वाला पिटबुल लो, वो ज़्यादा बेटर है। ये जो ज़्यादा मिक्स ब्रीडें हैं ये फिर आगे जाकर अभी कुछ और हैं और एक साल के बाद कुछ और हो जाएंगी, ऐसा ना हो कि जैसे पंजाबी लोगों ने बहुत सारी गलतियां की कि पिटबुल रखे लेकिन बाद में केज के साथ उनको देना पड़ा क्योंकि वो केज से भी बाहर नहीं निकाल सकते थे। तो प्लीज़ ऑलवेज गो विद प्योरिटी, अच्छे बढ़िया ट्रस्टेबल ब्रीडर से डॉग लीजिए, आपका घर का साइज कितना बड़ा है, कौन सा डॉग उस घर में कंपैटिबल है, रह सकता है आपके साथ पूरी लाइफ, वही डॉग लीजिए। क्योंकि आप अगर बड़े डॉग को छोटी घर में रखोगे तो वो भी इरिटेट होता है, तो प्लीज़ माय फ्रेंड पिटबुल बड़े डॉग की बड़े विलाट, जितना आप उसको बड़ा स्पेस दोगे, जितना आप अपनी एनर्जी घुमा कर और राउंडिंग में खेल में निकालेगा उतना वो कूल डाउन रहेगा। तो पिटबुल के ऊपर कभी भी रिस्क मत लो, डबल ट्रिपल टाइम चेक कर फिर लो। पवन पांडे, सर लीवर टॉनिक की क्या डोज देनी चाहिए? वो हर एक की अलग अलग होती है, कौन सी कंपनी का क्या बनाती है, आप जिस भी कंपनी का परचेज करोगे उसके साइड में लिखा होता है सर। एक गेमिंग, ओह सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, बड़े बालों वाला शिजू दिल्ली में बिना एसी रह सकता है सर? माय फ्रेंड थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए रखना पड़ेगा कोई ना कोई जुगाड़, कूलर वगैरह लगा कर रख सकते हो, लेकिन जितनी गर्मी उनको बाहर से लगती है ना, आप अगर ठंडी चीज़ें जैसे गोंद कतीरा हो गया, डॉग की स्पेशल ड्रिंक्स आती हैं अगर वो देते रहोगे तो उससे भी डॉग अंदर से भी वो रिलैक्स रहेगा।
आगे सर, हस्की के रूम का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं? मैं FB पे और दोनों पे हूँ सर, यूट्यूब पे। माय फ्रेंड, ऐसा तो नहीं कुछ भी, वो तो ज़्यादा ठंडी में अपनी लाइफ ज़्यादा मज़े से रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत, छोटे बच्चे का अगर आप जल्दी से इस बाहर गर्मी से अंदर ले आए तो वो दिक्कत हो सकती है। अनीता कंवर, जर्मन शेफर्ड डॉग मेरे 1 वर्ष का है और उसके बाल बहुत जड़ रहे हैं सर शरीर में। Omega-3 Omega-6 दीजिए, उससे पहले एक डिबॉमिंग जरूर करना, पेट के कीड़ों की दवाई, और कभी भी नमक मिर्च मसाला मीठा या दूध आदि खाने में मत देना उसको, वो ठीक हो जाएगा। अमर सिंह, इंजेक्शन लगाया था सर डॉग को, फिर भी डिलीवरी नहीं हुई सर, डॉग डॉक्यूमेंट केड़ा है? जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए सर, क्योंकि वो हो सकता है कि वो पप्पी कैनल में स्टक हो गया हो, कभी फंस जाता है कैनल में, तो उस कारण भी वो डिलीवरी नहीं हो पाती, तो प्लीज आपके नियर बाई जो भी अच्छा डॉक्टर है, मुझे नहीं मालूम आपका कहाँ से हो जाए क्या, जो भी आपके अच्छा डॉक्टर है, जो डॉग की थोड़ा बहुत भी काम जानता हो, जहाँ अगर है सबसे बढ़िया है, तो वहाँ ले जाइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए कहीं, क्योंकि अभी लगता है कि उसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मुझे बोल रहे हैं कि डॉक्टर कह रहा है वेट करने को वरना ऑपरेशन होगा, तो मैं तो कहूँगा कि वेट मत कीजिए माई फ्रेंड, ले जाइए, अगर फीमेल बार बार जोर लगा रही है बच्चा निकल नहीं रहा। सुंदरलाल सर, हम रॉटवेलर डॉग छोटा घर में पाल सकते हैं और या पिटबुल सही रहेगा? पिंजरे से आ जाऊंगा सर, रॉटवाइलर अंडरस्टैंडेबल ब्रीड है, पिटबुल से, पिटबुल वैसे दोनों ब्रीडें हैं बड़े घरों में रखने के लिए, भाई थोड़ा हौली बोल, दोनों ब्रीडें अच्छे बड़े घर में रहने वाली हैं, और बट आप रख सकते हो, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पिटबुल पर। आगे सर, कूल जी बोल रहे हैं सर, हु इज रीड द मैसेज एज आई हैड आस्क्ड सो मेनी टाइम माय क्वेश्चन बट ही इज स्किप्ड माय मैसेज। या इसको मैं पीट डालूंगा शो के बाद। ये रवि सर हैं हमारे साथ, लेकिन ये स्केप नहीं करते, एक्चुअली क्या होता है कि इनके पास एक इतना सा एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें क्वेश्चन इन्होंने पढ़ना होता है, अगर मैं ज्यादा लंबा आंसर देगा या जल्दी से नीचे क्वेश्चन आ गए तो वो खुद ब खुद ऊपर चले जाते हैं। मैं फ्रेंड, हम मिस नहीं करते जानबूझकर किसी का भी क्वेश्चन। अक्षय सर जी बोले सर, सर वीडियो नहीं दिख रहा है, प्लीज नेटवर्क में आओ, नेटवर्क बुरा है, चल रहा है शायद उनके प्रॉब्लम तो नहीं, नेटवर्क में, नेटवर्क ग्रीन है सर ऊपर, नहीं मूविंग हो रहा है, नहीं वो रुका हुआ, आई थिंक मेरा वीडियो चल रहा है, ये रुका हुआ है, सी कुछ ना कुछ तो है, नहीं चल रहा, ये टाइमिंग चल रही है, चल रही है टाइमिंग का, टेम्परेचर एकदम से बहुत दिक्कत है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, आप कंटिन्यू चेक कर लो। RPA ऑडियो सिटी सर, आई हैव लिव इन अपार्टमेंट 3rd फ्लोर एंड आई वांट टू बाय लैब्राडोर पपी, सो प्लीज सजेस्ट। काफी मुश्किल है सर, आप 3rd फ्लोर से रोज उसको नीचे लाना पड़ेगा अच्छी, क्योंकि लैब्राडोर बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दोगे उसको, वॉक नहीं दोगे, थोड़ा टाइम उसके साथ एक्सपेंड करोगे, थोड़ी खेलोगे नहीं उसके साथ, तो फिर वो बहुत जल्दी मोटा हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, तो 3rd फ्लोर में अगर आप छोटी ब्रीड रखोगे तो माय फ्रेंड ज्यादा बेटर है। आगे सर, किंग जर्मन शेफर्ड सिंगल कोट मील प्राइस सर, सर 12 से 15 के बीच, 10-15 राउंड इतना कुछ। आगे सर, किंग बैटल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ रॉटवेलर चैंपियन ब्लडलाइन, प्लीज टेल मी सर। मैं स्टार्टिंग बता सकता हूं, 30,000 से स्टार्टिंग होगी और 1,30,000 तक भी जा सकता है बड़े आराम से। आगे सर है सर, 9 बॉलीवुड सॉन्ग जो बोले, हाय सर मेरा लैब्राडोर 15 ईयर का हो गया है, क्या मैं उसको पानी दे सकता हूँ सर? बिल्कुल जरूर। आगे सर, एमस्टो गेमिंग सर, तिब्बतन मस्टिफ अवेलेबल है क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग इस समय कुछ यही 40-50 से हो रही है और 1.5-2.5 लाख तक चला जा रहा है। आकाश जायसवाल सर, मेरे पास 3 मंथ्स रॉटवेलर है, मैं उसको लीवर टॉनिक भी दे रहा हूँ, मल्टी विटामिन और कैल्शियम भी दे रहा हूँ। गुड सर गुड, ये मल्टी विटामिन लीवर टॉनिक देना बहुत अच्छा है।
दविंदर सिंह सर एक केड़ी ब्रीड है जो जो ये ब्रीड माय फ्रेंड है अमेरिकन बुली जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई थी। अमरीत सिंह का सर दोबारा सवाल आया था इंजेक्शन लगाया था सर डॉग को फिर भी डिलीवरी नहीं हुई सर डॉक्टर ने वेट कर बोला है वरना ऑपरेशन होगा। यस ले जाइए सर मैं तो कहूँगा वेट करिए ही मत। सर आगे सर प्रणव 007 हाय सर चिराग दहिया हाय सर आदित्य सिंह हाय सर आकाश जायसवाल सर मेरे पास श्रीमंत रॉटवेलर है वो सर वॉक पे ले जाते टाइम रोड पे बैठ जाता है कुछ भी खाने लगता है सर उसकी डिवॉर्मिंग भी महीने टाइम तो टाइम करी जाने सर। माय फ्रेंड आप साथ में एक छोटा सा स्टिक हंटर डॉग हंटर बोलते हैं वो ज़रूर लेकर जाइए। जब भी डॉग कुछ ऐसा करे जो आपको अच्छा ना लगे तो उसको डर होना चाहिए कि ये मुझे इससे ये हर्ट कर सकते हैं या न्यूज़पेपर को फोल्ड कर ज़रूर साथ में लेकर डॉग थोड़े दिन आप ऐसे करोगे वो आदतें हट जाएंगी। अगर डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल हो रही है तो आदतें हट जाएंगी अगर डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही तो मुश्किल है। ओके माय फ्रेंड लास्ट वाले क्वेश्चन ले लीजिए। ओके फ्रेंड जिनके क्वेश्चन मिस हो गए अभी लास्ट वाले हम ले रहे हैं आप जल्दी से लिख देना प्लीज लास्ट वाले मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। सचिन रावत हेलो सर हाय प्रवीण राणा सर पिटबुल फीमेल लेनी है आपसे प्योर वाइट में बेस्ट क्वालिटी कितने की मिल जाएगी? यही कुछ 15 से 18,000 में अच्छा मोटा तगड़ा कोल्ड ब्लड लाइन का बच्चा। अगर सर अगर आप बजट कम है तो फिर वही थोड़ी दिक्कत आ जाएगी क्वालिटी में। निखिल जो पूछ रहे हैं सर कौन सी कंपनी का कैल्शियम बेस्ट रिजल्ट देता है सर? सर हर एक देखो फीड सप्लीमेंट कोई नहीं किसी को बता सकता कि यार ये ले लो इस पर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपके डॉग पर जो सूट कर गया वो ही आपके लिए फॉलो होगा। आपको बस आपके एरिया में जो मिल रहा है मैनकाइंड इंटास वेयरबैक पेट केयर बिफर जो भी कंपनी का मिल रहा है ट्राई करो आपको खुद ब खुद रिजल्ट देगा 10-15-20 मिनट जब आपको मिले कि ये डॉग सॉल्ट ये डॉग फीड ये मेरे डॉग पर काम कर रहे हैं मल्टीविटामिन कैल्शियम बस वहीं स्टिक हो जाइए। आगे सर है अथर्वा हाय सर हेलो राजपूताना हाय सर पैराडाइज शो हाय सर हेलो 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 क्रेजी आर्मी प्रैंक मेडिकल जो पूछे सर पग पपी वाइट प्राइस सर? वाइट सर ये लगभग कुछ 30-40 हज़ार से शुरू होकर 80-90 हज़ार 1 लाख तक चले जाते हैं। आगे सर मैनिक हाय सर हेलो प्रदन्या हाय सर हेलो आकाश वर्मा मेरा जीएसडी पप्पी कुछ नहीं खा रहा है सर। सर अगर तो वो कोने में चुपचाप बैठा है तो उसको बुखार हो सकता है प्लीज मेरे आपके पास हमारा ऐप है उसमें वीडियोस हैं हाउ टू चेक ए डॉग फीवर। फॉर टुडे सी यू अगेन ऑन थर्सडे हम अर्ली या फिर वो बैक टू नॉर्मल जो 7 बजे का समय है उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। बाकी मेरे फ्रेंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑलवेज गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अपनी सेहत का ध्यान रखिए आप बच्चों का ध्यान रखिए। लेट इवनिंग टेक केयर गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज़ ऑलवेज लेडीज वुमेन्स गर्ल्स की रिस्पेक्ट कीजिए माई फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ हैव अ वेरी 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 वंडरफुल इवनिंग वेरी फ्यू ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए थैंक यू बाय लव यू।